जिंदा ही नहीं रहना चाहते हैं। मैंने उसे कहा कि जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां पर बंदे को इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं, और मेरी जिंदगी का मोड़ मेरा माजी था। मैं उसे अपने माजी के बारे में सब कुछ बताने लगा। अभी कुछ ही बातें की थी तो उसने मेरी बात को टोकते हुए कहा कि रुक जाए। मैं चुप हो गया और वो मुझे कहने लगी कि आप अपने जहन से अपना माजी हमेशा के लिए निकाल दें, लेकिन मैं अपना माजी उसको सुनाना चाहता था इसलिए कि उसके दिल में कोई शक व शुबात ना रहे। वो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए मुझे डर था कि उसकी मोहब्बत मेरे लिए कम ना हो जाए। इसीलिए मैं अपने माजी का सारा सच बताना चाहता था उसे। उसने मुझे फौरन रोक दिया और मैं बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसने मेरी दो तीन बातों से ही मेरे माजी का अंदाज़ा लगा लिया था। शायद वो अपनी और मेरी मोहब्बत में किसी का भी जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही वो कभी ऐसा करना चाहेगी, इसलिए उसने मुझे वहीं रोक दिया था। अगले ही पल वो मुझसे बोली कि अब अपने जहन से ये सारा माजी निकाल के हमारे मुस्तकबिल का सोचें। वो मुझे बहुत ही समझदारी से कहने लगी कि आप ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दें, फिर उसके बाद जो अल्लाह फैसला करता है उस फैसले पर आमीन भी कहना पड़ता है, और मैं अल्लाह के फैसले पर बहुत ज़्यादा राज़ी हूँ। जब अल्लाह पाक ने हमें एक दूसरे के लिए चुन ही लिया है तो फिर ये बात मायने नहीं रखती कि मैं आपसे माजी पूछूं, या फिर किरदार पर तबसरे करूं, या फिर गुजरी हुई वाबस्तगी आँच आपसे पूछूं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपका खुशामदीद करती हूं। उसकी ये सोच और उसकी ये बातें मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मेरा दिल उसकी मोहब्बत और उसमें बिल्कुल कैद हो गया। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए, मेरी शरीक हयात बनने के लिए, मेरा हम सफ़र बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और अब वो मेरे साथ बात करते हुए थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। खुशी इस बात की थी कि मुझे उसकी बातों से बहुत सुकून मिल रहा था, ऐसे जैसे बाहर के मौसम में हर तरफ हरियाली और खुशबुएं फैल जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह उसके मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी खुशगवार और सुकून वाली बन गई। खैर, हमारे दरमियान बहुत सारी बातें हुई। मुख्तसर बात यह कि मैंने उसे कहा कि अब वक्त आ गया है हम अपनी खामोश मोहब्बत को एक खूबसूरत और मुकम्मल नाम दें। तो वो कहने लगी, बिल्कुल मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मैंने कहा, मेरी दुल्हन बनने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल शुरू कर दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मोहब्बत निकाह में बदल जाएगी। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा खुश थी और बार बार वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल की, मेरे सब्र का फल मेरी झोली में डाल दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहती थी उसे खुद को मेरे पास भेज दिया। खुशी खुशी में बातें करते हुए हम दोनों सो गए। खैर, रात गुजरी, सुबह हुई, मैं जल्दी जल्दी उठा, फ्रेश हुआ और सीधा किचन में अम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं बहुत खुश था और अम्मी जान के पास बैठ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मेरी जन्नत नाश्ते में क्या बना रही है। अम्मी फौरन समझ गई, क्योंकि उनको पता था कि जब मुझे कुछ चाहिए होता था या कोई ज़रूरी बात करनी होती थी तो मैं अपनी अम्मी को जन्नत करके बुलाया करता था।
मुझे अम्मी कहती कि मैं आलू के पराठे बनाने लगी हूँ। मैंने कहा तो जल्दी से बना दें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैंने शहर भी जाना है। मेरी जन्नत ने जल्दी से मुझे नाश्ता दिया और नाश्ता दे के मुझे कहती आज मेरा चांद बड़ा खुश लग रहा है। मैंने कहा जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे अपनी जन्नत से एक ज़रूरी बात करनी है। तो अम्मी कहती अच्छा इसलिए सुबह सुबह से मुझे जन्नत जन्नत कह के पुकारा जा रहा है। यार फिर माएँ तो माएँ होती हैं ना, आप उनको कुछ ना भी बताएं फिर भी वो आपके चेहरे से खुशी और परेशानी वाली बात पहचान लेती हैं और समझ जाती हैं कि मेरा बेटा आखिर क्या कहना चाहता है। मैंने सुबह नाश्ता किया और माँ से बहुत सारी दुआएं ली और शहर में काम था तो मैं शहर चला गया। अभी मैं शहर में ही था कि घर से कॉल आई कि सामान की लिस्ट तुम्हें सेंड की है, वो लेते आना, घर में मेहमान आ रहे हैं। मैंने अपना जो भी काम था जल्दी जल्दी ख़त्म किया और मोबाइल से सामान की लिस्ट देखी तो उसमें घर वालों ने बहुत ही स्पेशल चीज़ें लिखी हुई थी। फिर वो सारा सामान मैंने लिया और घर आकर अम्मी को दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी कौन से मेहमान आ रहे हैं, तो फिर मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि तुम्हारे बाबा के दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। मैंने अम्मी से कहा अम्मी बात करनी है और ये बात बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो अम्मी ने कहा कि जो भी बात है वो तुम शाम में करना, अभी मेहमान आ रहे हैं और मैं मसरूफ़ हूँ और मैंने उनके लिए खाना भी बनाना है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है शाम को बात कर लूँगा, इतनी भी खैर कौन सी जल्दी है। मैं यही सोच के घर से बाहर आया तो उसको कॉल की, उसके पास चला गया। हम दोस्त मिल बैठ के गपशप कर रहे थे, मैं बहुत ही पुरसकून था। दोस्त मुझे कहते कि भाई बड़ा खुश लग रहा है आज, तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो मैंने उन्हें कहा कि बस यार कुछ खास नहीं, आज मेरी नींद पूरी है इसलिए आज मैं पुरसकून हूँ। और रही बात अच्छे की तो वो तो अब होगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्त समझ गए कि क्या अच्छा होने वाला है, कहने लगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई अच्छा होगा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें भी उसके साथ प्यार हो गया है, अल्लाह पाक ने मुझे यार भी बड़े कमार के दिए थे। मेरे दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा, हर खुशी गमी में मेरे साथ है। अभी मैं अपने दोस्त के पास ही बैठा था कि घर से मुझे कॉल आ गई, मेहमान आए हुए हैं, खाना भी तैयार है, तो तुम अभी घर नहीं आए। मैं जल्दी जल्दी से घर आया, मेहमान आए हुए थे, अंकल को गले मिला, आंटी ने मेरे सर पर प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। अंकल और मेरे अबू बहुत अच्छे दोस्त थे, वो अंकल मेरे अबू के साथ सऊदी अरब में काम करते थे, दोनों ने 10 साल मिलके एक ही कंपनी में काम किया था। 10 साल के बाद अबू छुट्टी पर आ गए और अंकल अभी भी वहीं पर काम कर रहे थे। अब अंकल अपनी फैमिली को लेके सऊदी अरब शिफ्ट हो चुके थे, वो हर साल के बाद छुट्टी पर आते थे, सबसे मिलकर फिर उसके बाद चले जाते थे। उनको सऊदी अरब में शिफ्ट हुए पूरे 5 साल हो गए थे। अल्लाह पाक ने अंकल को 3 बेटियों जैसी रहमत से नवाजा था लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा दा नहीं किया था। खैर अम्मी ने खाना लगाया, खाना लगाने के बाद अंकल मुझसे बातें करने लगे, मुझसे पूछने लगे कि बेटा क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी वगैरह वगैरह। मैंने अंकल को बताया कि बस अंकल कुछ खास नहीं, बस अब्बू के साथ यहीं खेती कर रहा हूँ और वैसे भी मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है। अंकल अब्बू को कहने लगे कि उसकी तैयारियाँ करवाओ, मैं इसको साथ ले जाता हूँ। तो फिर अब्बू ने कहा कि भाई इसी से पूछो, अगर जाता है तो इसे ले जाओ अपने साथ। तो मैंने कहा नहीं अंकल,